After speculation that Lucknow sitting MP Lalji Tandon showed reluctance to vacate his seat for the BJP president Rajnath Singh, but he's also said that he will readily give it up for BJP's Prime Ministerial nominee. Lalji Tandon is, however, now denying any such report, also saying that the party is yet to talk to him on this matter. ना मुझे मना किया, ना किसी ने ऑफर किया कि वो लड़ेगा। मोदी के बारे में मैंने स्वयं अपनी तरफ से कहा कि जब उनका बहुत पहले से कि अगर वो यहां से लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहां से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे सामने आज के इस वक्त तक न पार्टी का कोई आदेश है, न ही किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि वो यहां से लड़ना चाहता है, न मैंने ये कहा है कि मैं कहीं और से क्लेम कर रहा हूं। तो विवाद क्या है? यहां कुछ है ही नहीं। अगर मोदी के अलावा राजनाथ सिंह या जोशी जी रहते हैं तो ये काल्पनिक प्रश्न क्यों हमसे पूछते हैं? मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का उत्तरदायी नहीं हूं। ये प्रश्न मेरे वरिष्ठ नेता हैं, मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी है, वो मुझे कुछ कह सकते हैं, वो मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। जो चीज नहीं है उसमें किसी को विवाद में डालने से क्या फायदा? राजनाथ सिंह हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्यों उनका नाम घसीटा जाता है? मेरे उनके ऐसे संबंध नहीं है कि वो मुझसे अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं या मैं उनसे अपनी बात नहीं कह सकता हूं। जब कोई बात मेरे सामने ऐसी आई ही नहीं कि कोई यहां से दावा पेश कर रहा है, जब कभी कोई ऐसी बात पार्टी ने अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो बेवजह एक इशू खड़ा करना उसका कोई अर्थ नहीं है। ये पार्टी में सीटों को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी कहना सही रहेगा? प्रत्याशियों का यहां तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है, कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। गुजरात की अगर हम लोग बात करें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात भेजा गया था तब वहां के सीनियर लीडरशिप को कहीं ना कहीं साइडलाइन होना पड़ा, अब वो सेंट्रल लीडरशिप में आए हैं तो अब जिस तरह से टिकट को लेकर हो रहा है, मुरली मनोहर जोशी नाराज है। अच्छा, मुझे इससे कोई लेना देना ही कौन नाराज है कौन नहीं है, मुझे तो इसी बात का खतरा है कि अगर कहीं हम गलती से आकर नरेंद्र मोदी को आगे करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता ही साइडलाइन हो जाएगी। लेकिन देखिए, पार्टी का लोकतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो चुका है, ये ना अब अशोक रोड से संचालित है, ना नागपुर से संचालित है, ये पार्टी अब अहमदाबाद से संचालित है। और जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त होने के बाद जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की हुई थी, लगभग उसी के रास्ते पर आज भाजपा है। टिकटों को लेके मारामारी है, असंतोष है, चुनाव क्षेत्र बदलने के लिए नेता बेताब हैं, ये उनकी असुरक्षा की भावना को भी उजागर करता है।